वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बूम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोल की सिब्बा टोकन को कैसे परचेज करें स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो करना क्या आपको फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है गूगल क्रोम या फिर आपके पास जो भी ब्राउजर है वो ब्राउजर ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है फोल की सिब्बा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। इसके बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे पहली वेबसाइट दिख जाएगी टॉप पे, बीएससी स्कैन की, ये आप देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वेबसाइट पे लेके जाएगा और यहाँ पे आपको टोकन दे देगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आप बीएससी स्कैन की साइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फोल की सिब्बा की, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका टोकन का एड्रेस, जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो आपको करना क्या है, सिंपली इसको आपको कॉपी कर लेना है। बस यहाँ पे आपको प्रेस करना है और ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद आपको वापस आ जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में आ जाना है। आपको ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपको उस टोकन को सर्च करना है। सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो आपने टोकन कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करते ही आपको वो टोकन यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस आपको इसको इनेबल कर देना है ताकि ये आपका ऐड हो जाए टोकन। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद इसको आप अपने वॉलेट में आप देख सकते हैं, ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये ऐड हो गया है। अब तो ऐड हो गया, अब हमें इसको परचेज करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जाना है इसके लिए डी एप्स पे, ये यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च में या तो आप टाइप कर लेना है आपको पैनकेक स्वैप, या तो आपको स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है एक्सचेंज ऑप्शन में। यहाँ पे ये एक्सचेंज में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे पैनकेक स्वैप पे। जैसे ही क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद ये उस वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा, जहाँ पे आके आपको अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, अगर आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं है तो। और अगर आपको नहीं पता वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले से बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। तो वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपके पास जो भी आपके पास बीएनबी बैलेंस है, यानी बाइनेंस चैन के जितने भी आपके बैलेंस है, आपको यहाँ पे शो करेगा। अब करना है क्या, आपको सिलेक्ट करेंसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे उस टोकन को आपको पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पे उसके बाद टोकन विजिबल हो जाएगा और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है कि आप कितना टोकन परचेज करना चाहते हो, या यहाँ पे आप कितने का करना चाहते हो, दोनों ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे टोकन डाल देता हूँ मैनुअली, मुझे कितना टोकन चाहिए, ये मैंने मैनुअल डाल दिया। आप अपने हिसाब से जितना आपको टोकन चाहिए वो आप डाल सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, स्वैप पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको कंफर्म स्वैप पे क्लिक कर देना है। कंफर्म स्वैप पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस होगा, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखा देगा कि कितने का है और कितने का नहीं है। देखिए, ये आपको जिसकी प्राइस आपको पड़ रही है वो पड़ रही है 389 की, और इसका नेटवर्क का जो फीस है वो है 38 रुपीज। इसके बाद क्या करना है, आपको अप्रूव पे क्लिक कर देना है। अप्रूव पे क्लिक करते ही ये ट्रांजेक्शन आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोबारा से आपको आ जाना है अपने वॉलेट में, और इसके बाद रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करते ही अगर आप देखोगे तो आपके पास जो भी आपने टोकन परचेज किया था वो टोकन यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।